नमस्कार, मैं हूं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कतर की एक जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। कतर के इस फैसले को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। बताया जाता है कि पिछले साल 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच दुबई में हुई बैठक ने इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की जमीन तैयार कर दी थी। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 सोमवार को स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में समेकित कर्मयोगी भवन परिसर के पहले चरण का शिलान्यास भी किया। इस परिसर का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 2 दिवसीय हिंद महासागरीय देशों के 7वें सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी का नाम लिए चीन को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने 39 देशों के सस्ते कर्ज के जाल में ना फंसने के लिए आगाह किया है। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में बढ़ रही चुनौतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नौवाहन उड़ानों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सुरक्षा की चिंताएं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने समाजवादी चिंतक दीपक मिश्र द्वारा लिखित भारत की नेपाल को पाथी का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की आत्मा एक है, दोनों देशों के आराध्य व आदर्श एक है। कैलाश मानसरोवर पर चीन का कब्जा है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। शिवपाल ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की भारत में वापसी के लिए प्रबल व प्रतिबद्ध नागरिक अभियान चलाने का समय आ गया है। हम सभी कैलाश मानसरोवर का निर्बाध दर्शन करना चाहते हैं। चीन में दोनों पवित्र स्थल उपेक्षित हैं। बिहार में विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया है। अब नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी हासिल हो चुकी है। अवध बिहारी चौधरी को हटाया जाना महागठबंधन के लिए झटका है। एनडीए सरकार बनाने के बाद से 28 जनवरी को ही वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 128 विधायकों का हस्ताक्षर पत्र विधानसभा सचिव को सौंप दिया गया था। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की ओर से जारी पावरफुल देशों की लिस्ट में भारत को 12वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के 10 सबसे पावरफुल देश हैं। लिस्ट में 11वें नंबर पर फ्रांस और 12वें नंबर पर भारत है। हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन से हमला नहीं कर सकता, उससे पहले ही INS ध्रुव इसका पता बता देगा। यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग सीप है। यह चीन की जासूसी जहाजों की तरह काम करने वाला रिसर्च वेसल है, साथ ही दुश्मन मिसाइल की रेंज भी बताता है। मोदी सरकार पर कतर से भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों को जल्द छुड़वाने का दबाव कांग्रेस ने भी बनाया था। अब इन अफसरों की आजादी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा है कि सभी देशवासियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खुद को इस खुशी में शामिल करती है कि कतर में कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर रिहा होकर घर वापस आ गए हैं। हम उन्हें और उनके परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हमेशा से ही हैकर्स का पसंदीदा ऐप रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पर डेली करोड़ों यूजर्स एक्टिव होते हैं। ऐसे में हैकर्स अनजान नंबर से मैसेज कर ऐसा बताते हैं कि वह आपके दोस्त या फिर आप ही के घर के सदस्य हैं और फिर इमरजेंसी के नाम पर आप लोगों से पैसे की मांग करते हैं। ठगी करने वाले लोगों को लुभाने और जाल में फंसाने के लिए आपको मैसेज करेंगे कि आपने लॉटरी जीती है, इसलिए हैकर्स के इन पैतरों से सतर्क रहना जरूरी है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। जयंत चौधरी कभी भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं। उनका एनडीए में जाना लगभग तय है, जिसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही। ऐसे में पूर्व राज्यपाल और नेता सत्यपाल मलिक ने जयंत को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने माना है कि रालोद के एनडीए में जाने से बीजेपी को फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा को लेकर हुए विवाद पर बात की और कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को भारत रत्न देने के फैसले से राजनीति बहस छिड़ गई है। टाइम्स नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार के दौरान जब केंद्रीय मंत्री से यह पूछा गया कि वीर सावरकर को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया गया है। काशी में ज्ञानवापी पर विवाद के बीच अब नया विवाद मथुरा से सामने आया है। यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मजार को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी होने का दावा किया है। आरोप लगाया गया है कि पोतरा कुंड के पास चक्रवर्ती सम्राट के भाई राजा
भर्तृहरि की समाधि व ज्ञानवापी है। सन 1987 में मथुरा नगर पालिका में तैनात कर अधिकारी कमरुद्दीन ने अभिलेखों से छेड़छाड़ कर इसे ज्ञान बावरी से शाही बावरी कर दिया था। वक्फ बोर्ड से इसे वक्फ संख्या 75 संपत्ति घोषित करा दिया गया। भर्तृहरि की समाधि को हजरत उमर दराज बावरी वाले बाबा के मजार में तब्दील कर दिया गया। पुलिस आधी रात के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची और गेट खुलवाने का प्रयास करने लगी। बताया गया था कि अंदर सभी विधायक हैं। इस तरह पुलिस की बार बार आवाजाही को लेकर राजद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला और कहा कि वह यहां अप्रिय घटना करवाना चाहते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिहार से बीजेपी ने इस बार सुशील मोदी को टिकट नहीं दिया। इसके बाद सुशील मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 वर्षों तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया है। मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्य करता रहूंगा। बिहार में अगर आप पहले चरण में नियुक्त शिक्षक हैं और आपका चयन दूसरे चरण के शिक्षक के रूप में हुआ है तो आपको पुराने स्कूल से त्यागपत्र देकर ही दूसरे स्कूल में योगदान करना होगा। त्यागपत्र नियुक्ति प्राधिकार से स्वीकृत होने के बाद ही द्वितीय चरण में चयनित विद्यालय अध्यापक के पद से योगदान दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी को आरओ और एआरओ परीक्षा कराई, लेकिन शाम तक सोशल मीडिया पर तमाम यूजर दावा करने लगे कि परीक्षा का पेपर कुछ जिलों में पहले से ही लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले ही आरओ एआरओ एग्जाम 2024 का पर्चा और सभी सवालों के जवाब लीक हो गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई आरोप लग रहे हैं और नाराजगी जाहिर की जा रही है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त खाते में पहुंचनी बंद हो गई है तो किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ऐसे किसानों को राहत देने के लिए आज से अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान अब घर बैठे ही हो सकेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जाने वाली है, लेकिन कुछ संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिनको पहले से इस योजना का लाभ मिलता था लेकिन अब बंद हो गया है। कृषि मंत्रालय से किसानों को राहत देने के लिए आज से अभियान चला रही है जो 21 फरवरी तक चलेगा। इसमें राज्य सरकारें और जिला प्रशासन मिलकर देश भर के 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से यह अभियान चलाएंगे। सरकार ने नए जमाने के इन्फ्लुएंसरों एवं रचनाकारों को पहचानने और भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए एक बड़ा मौका है। एयरपोर्ट पर तैनात एयरलाइन स्टाफ या तो पूरी तरह से रोबोट बन चुके हैं या फिर उनकी मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से ही खत्म हो चुकी हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट का है, जहां एक 72 वर्षीय वयोवृद्ध बीमार महिला व्हीलचेयर के लिए एयरलाइन स्टाफ के सामने गुहार लगाती रही। जब इस वयोवृद्ध महिला की किसी ने नहीं सुनी तो आखिर में परेशान होकर उन्होंने अपने डॉक्टर बेटे को फोन लगाया। बेटा भी हर संभव कोशिश करके हार गया। बेटे का आरोप है कि पहले तो इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ उनकी माँ की बातों को अनसुना कर दिया, बाद में कुछ अंग्रेजी में बोलने लगे। उनकी माँ ने कई बार कहा कि उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती, बावजूद एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ अपनी ही धुन में लगा रहा। पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने विकसित देश की परिभाषा बताते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति आय कम से कम $13,000 होनी चाहिए, लेकिन बात यहां आकर रुक गई है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,700 ही है। विकसित देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय को 5 गुना बढ़ाना होगा और उसके लिए काम करना होगा। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi का कहना है कि सप्लायर्स को भारत में परिचालन शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। स्मार्टफोन कंपनी का कहना है कि चीन की कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने से डर लग रहा, क्योंकि भारत में चीनी कंपनियों की स्क्रूटनी की जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi ने इस संबंध में भारत सरकार को एक पत्र भेजा है। पत्र में कंपनी ने कहा है कि भारत में सरकार के द्वारा चीन की कंपनियों को हो रहे स्क्रूटनी के कारण स्मार्टफोन के कंपोनेंट सप्लायर को यहाँ परिचालन शुरू करने में हिचक हो रही है। एनसीपी पर कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए पार्टी का चिन्ह एवं नाम अजीत पवार के पास थमा दिया। उधर शरद पवार केवल देखते रह गए। आयोग के निर्णय ने शरद पवार को बेचैन कर दिया है। अब उनका कहना है कि फैसला आश्चर्यजनक था, क्योंकि आयोग ने उन लोगों के हाथों से पार्टी को छीन लिया जिन्होंने इसे बनाया तथा उसे किसी और को थमा दिया। रोजाना घरों में बनने वाले शाकाहारी खाना महंगा हो रहा है, वहीं बात अगर मांसाहारी खाने की करें तो इसकी कीमतों में गिरावट देखी जा रही। एनुअल बेस पर शाकाहारी थाली 5% महंगी हुई और नॉनवेज थाली में 13% सस्ती हुई है। लगातार सब्जियां महंगी होने से घरों में बनने वाली थाली की कीमतों में भी बदलाव नजर आ रहा।
क्रिसील मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज और टमाटर की कीमतों में पिछले महीने एनुअल बेस पर 35% और 20% में बढ़त हुई है, जिस वजह से वेजिटेरियन थाली के दाम और लागत बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की प्रगति पर निचली अदालत से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। बॉलीवुड के न्यू लवबर्ड्स रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी को महज चंद दिन ही बचे हैं। इन दोनों सितारों की शादी की डेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। रकुल और जैकी की शादी का वेडिंग कार्ड सामने आ गया है। इस खूबसूरत से वेडिंग कार्ड के साथ ही सेलेब्स की शादी की तारीख 21 फरवरी कंफर्म हो गई है। शादी के कार्ड के पीछे का बैकग्राउंड में बीच का व्यू है, जिससे इतना तो साफ हो चुका है कि दोनों गोवा में शादी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO और समीक्षा अधिकारी के लीक होने का दावा किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर पेपर लीक का दावा किया है। इस वीडियो में कुछ छात्र पेपर लीक होने का बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पेपर लीक होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क बाघ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए भी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुधवा की पारिस्थितिकी इतनी अनुकूल है कि यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कई जीव जंतु मौजूद हैं। अक्सर ऐसे जीव वन कर्मियों को दिख जाते हैं जो बेहद दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। हाल ही में दुधवा के उत्तर निघासन वन रेंज के बिलरायाम जंगल में बेहद दुर्लभ प्रजाति के लाल सांप देखे गए हैं, जिसे रेड कोरल कुकरी के नाम से जाना जाता है। रेड कोरल कुकरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध है। भारत में पेट्रोल पंप धोखाधड़ी काफी आम है। अक्सर फ्यूल स्टेशनों पर कर्मचारियों के ग्राहकों को धोखा देने की खबरें सामने आती रहती हैं। जैसे कभी कभी लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं और कभी कभी उनके टैंक में सही मात्रा में फ्यूल नहीं भरा जाता, कई बार तो मिलावटी फ्यूल भी भरा जाता है। ऐसे में जब भी अटेंडेंट आपके वाहन के टैंक में फ्यूल भरना शुरू करे, उससे पहले हमेशा मीटर की जांच करें। सुनिश्चित करें कि मीटर शून्य पर है और अटेंडेंट ने इसे शुरू करने से पहले रीसेट किया है। अटेंडेंट के लिए एक सामान्य तरकीब यह है कि वह आपके वाहन में आपके कहे गए मूल्य से ज़्यादा पैसे भर देते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर हुसैन, मनराज सिंह, अर्जुन राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, SD के कश्यप, नवल किशोर झा, भूषण यादव, बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप कभी पेट्रोल पंप पर होने वाले धोखाधड़ी के शिकार बने हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।